तीसरा वेतन समझौता शीघ्र लागू किए जाने, बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम का शीघ्र आवंटन किए जाने सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के सदस्यों ने बीएसएनएल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने किया। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों का कहना था कि सरकार बीएसएनएल कर्मियों के साथ अन्याय कर रही है, हमारी लंबित मांगों पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही, अगर स्थिति यही रही तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने कहा, नित्यानंद मिश्रा, हम लोगों का ये थर्ड पीआरसी को लेकर के ये आज कार्यक्रम, हम लोगों ने आज नहीं, ये कार्यक्रम पिछले एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग को ये कार्यक्रम करते हुए, 1/1/2017 से हम लोग को थर्ड पीआरसी मिलना था, वेज रिवीजन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिल चुका है, पीएसयू जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी तक उसमें नहीं मिला है। इसको लेकर के हम लोगों ने 23 फरवरी 2018 को हम लोगों ने दिल्ली में संचार मंत्री जी का घेराव किया, माननीय मनोज सिन्हा जी का, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करा देंगे, आश्वासन दिया उन्होंने सारे यूनियन एसोसिएशन के नेताओं के सामने। उसके बावजूद भी 8 महीने बीत चुके, अभी तक इस पर कोई भी सरकार की सरगर्मी नहीं है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए, पुनः हम लोग बाध्य होकर के हमने आंदोलन की रणनीति तैयार किया है, जो आज की तारीख में हमने पूरे देश भर में सारे जिले स्तर पे हमने धरने का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसके बाद भी अगर जो सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 14/11/2018 को हम बृहद रूप से रैली निकालेंगे, रैली के बाद पुनः अगला कार्यक्रम जो होगा वो हमारा जनवरी में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, वो स्ट्राइक का होगा, इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने अब ये एकदम इस ये कर लिया है कि हर हाल में किसी भी तरह से, जैसे भी हो, 2 साल बीतने जा रहे हैं, कैसे भी हो हम अपना थर्ड पीआरसी लेकर रहेंगे, हम विभाग के लिए काम कर रहे हैं, हमारा वेतन संशोधन होना चाहिए, इसके साथ साथ 4G स्पेक्ट्रम का मामला है, 4G स्पेक्ट्रम के लिए तमाम प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिया गया, हमको 4G स्पेक्ट्रम के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन शीघ्र करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ, हम मार्केट में पीछे जा रहे हैं, इसलिए उसका आवंटन शीघ्र किया जाए, और ये जो सेवानिवृत्त हमारे जो कर्मचारी हैं उनका भी वेज रिवीजन किया जाए, ये सब लेकर के हमारी 5 मांगें हैं, उन 5 मांगों को लेकर के हम लोग ये आज का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, और ये कार्यक्रम पूरा जोर शोर से पूरे देश भर में है, और इसको आगे भी हम लोग जारी रखेंगे जब तक हमारे समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।